You know, मैं बहुत टाइम से उसको इग्नोर कर रही थी. नॉट फॉर किड्स बाय द वे. पूरा सीलन हो गया था वो, एक ही टाइम सबको सर्कुलेट हो रहा था उसके कान से समझ जाना कि वो क्या बात है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द सेकंड हाफ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है? आई होप यू गाइस आर डूइंग ऑसम. नाउ ओके, आई नो मैंने पिछले महीने बिल्कुल भी कंटेंट नहीं डाला है. मैंने मुश्किल से शायद दो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाला है एंड मैं बता नहीं सकती. मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ. इट्स जस्ट लाइक सो मच इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. मैं बता भी नहीं सकती क्या चल रहा है, बट जब पता चलेगा आप लोगों को तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. बट आई ऑल्सो नो दैट यू गाइज मिस मी ऑन यूट्यूब. आई मिस क्रिएटिंग लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट. ऐसा नहीं है कि मैं एक दो दिन की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत महीनों से, 6-7 महीनों से. अ लॉट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब दे आर रिक्वेस्टिंग मी टू पोस्ट डेली व्लॉग्स. यू नो मैं बहुत टाइम से उसको इग्नोर कर रही थी, इट बिकॉज यूजली मेरी लाइफ में कुछ होता नहीं है खास, एंड अगर होता भी है आई डू व्लॉग इट समटाइम्स, बट यूजली मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ. इफ यू नो मी, आई लाइक टू स्टे एट होम, डू माई वर्क, स्टे विद माई फैमिली, एंड समटाइम्स आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, जो बहुत गिने चुने ही हैं यहाँ पे देहरादून में. बट अभी मैं नहा कर ही आई थी. मैं नहाते नहाते मैं सोच रही थी कि इतने टाइम से लोग मुझे बोल रहे हैं दैट आई शुड स्टार्ट डेली व्लॉगिंग, कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे. आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई. नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आई विल स्टॉप डूइंग इट एंड आई विल स्टार्ट पोस्टिंग माई व्लॉग्स, जैसे कुछ अच्छा स्पेशल होगा लाइफ में. एंड इफ पीपल डू एंड अप लविंग माई डेली व्लॉग्स, दैट इज अ ये. आई ऑल्सो पर्सनली फील दैट मम्मा इज यूजली बिजी डूइंग हाउस होल्ड चोर्स एंड घर को ठीक करना, दिस एंड दैट. आई वेक अप क्वाइट लेट, तो मैं उठते ही सबसे पहले काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपनी टीम के साथ फॉलोअप करती हूँ. सो मच इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू. मतलब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ दैट मेरा मन है आपको बताने का, बट मैं बता नहीं सकती बिकॉज इट्स अ सरप्राइज एंड समथिंग दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर मंथ्स नाउ. बट यू विल नो वेरी वेरी सून, होपफुली दिस मंथ यू विल गेट टू नो. सो उसको मैं रिवील भी नहीं कर सकती एंड आई वॉन्ट टू कीप इट एज अ सरप्राइज. बट देन फिर आप लोग मुझे बोल रहे हो दैट यू मिस मी ऑन यूट्यूब. आई ऑल्सो मिस यूट्यूब, बट लाइक मैं ऐसे सिचुएशन में फंसी हुई हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ. दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड दैट मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी. सो मैं पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ, लाइफ में कुछ खास नहीं होगा, बट विल डेफिनेटली गेट टू नो मी मोर एज अ पर्सन, गेट टू नो माई फैमिली मोर, एंड ऑल्सो मनु AKA माइलो. उसको मैं ज्यादा दिखाती नहीं हूँ वीडियोज में बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन नजर, बिकॉज ही इज लाइक द क्यूट फ्लफी काइंड ऑफ यू नो बेबी. बहुत सारे लोग ऐसे करके देखते हैं कि हाँ ये कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है. एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट जब भी कोई उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है ना, उसकी तबीयत खराब हो जाती है. सो उसके कारण आई लाइक टू यू नो स्टे अवे एंड कीप हिम अवे फ्रॉम कैमरा एंड सोशल मीडिया. बट धीरे धीरे बीच बीच में शायद थोड़ा बहुत स्निपेट्स दिखाऊंगी माय लोग के. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पहले डिस्क्लेमर कर रही हूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दीज व्लॉग्स क्यों बोला मैं व्लॉग्स entertaining and I'll keep them very short, sweet, around 10, 12, 15 minutes max. इससे ज़्यादा नहीं. I was saying that I feel like daily vlogs उनके लिए सही है जो actually में couple है, girlfriend, boyfriend, husband, wife, या जो किसी के बच्चे हैं, या तो full time अपने pets को दिखाते हैं या full time अपने parents को दिखाते हैं. In my case ऐसा है नहीं क्योंकि दीदी है नहीं यहाँ पे, मेरे friends नहीं है, जो है वो सब मेरा तुमसे बाहर है. So मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या चटपटा कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड वीडियोस एंटरटेनिंग लगे. सो अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 9:30. मैं काफी लेट ना आई क्योंकि घर पे काम चल रहा है. सो मेरे रूम का एक बैल्कनी है जो उस बैल्कनी को हमने कवर करके मंदिर बना दिया है एंड मैंने उस चीज को कवर किया था. तो फटाफट से जाके वो वाला क्लिप देखो एंड आई विल कैच यू. फ्लैशबैक. आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस क्या घर का अपडेट हो रहा है. सो पिछले दो दिन से हमारा घर का जो ये वाला बैल्कनी है, जो एक्चुअली मेरे रूम की बैल्कनी है, इसका पूरा कवर हो रहा है. सो ये कवर था ऑलरेडी, बट बारिशों के टाइम पे इतना ज़्यादा लीकेज हो रहा था, मेरे पूरे अलमारी में अंदर सीलन आ गई थी. सो मम्मा एंड आई वी डिसाइडेड दैट इट्स टाइम टू
चेंज दिस. सो अभी दो दिन से घर पे ये चल रहा है एंड आफ्टर व्हाट 2 ईयर्स आई सॉ माय बालकनी विदाउट द ग्रिल एंड एवरीथिंग. इट फेल्ट सो नाइस. इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी रूम में. रूम की हालत देखो, मेरे सारे जो पीआर के बॉक्सेस थे वो सब हमने अलमारी में कर दिया. ये हमारा नया फ्रेम लग रहा है. सो पहले वाले में क्या था, पहले हम लोगों में वो जाली का दरवाजा नहीं था, लाइक द जाली का विंडो, इट वॉज जस्ट स्ट्रेट अप कांच का. सो उसमें दिक्कत क्या रही थी कि यहाँ पे ना पूरा पूरा पानी हो रहा था. मम्मी का मंदिर वहाँ पे है तो वहाँ पे पूरा पानी पानी हो रहा था. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना पूरी सीलन हो गई थी, पूरा सीलन हो गया था. हमारे घर में ही नहीं, बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. आप छत देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे पूरा सीलन है. हमारा किचन के भी यही हाल है, बट किचन का थोड़ा सा बेटर है. तो अभी मैं अपने रूम का रिपेयर करा रही हूँ एंड इस बार हम जाली वाली खिड़की भी लगा रहे हैं कि वेंटिलेशन हो. जब ये निकला ना पूरा फ्रेम, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था दैट आई हैव अ बालकनी टू माय सेल्फ एंड लाइक मैं चिल कर सकती हूँ यहाँ पे. आई वाज वेरी हैप्पी कि आई हैव अ बालकनी, मैं यहाँ पे शूट वूट कर सकती हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली देन फिर मंदिर रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है. सो इसलिए मम्मी ने कहा कि लगवाना पड़ेगा. बट इस बार हम थोड़ा सा बेटर वर्क करेंगे विद जाली वाली. पूरा ये सामान रखा एंड वहाँ पे कटिंग वटिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू द फ्रेम एंड ऑल. मैं निकल रही हूँ टू मीट माई फ्रेंड अनुष्का. बहुत दिन हो गए मैं उसके घर नहीं गई, तो सोचा आज सैटरडे है, मैं सारा काम कर लिया है तो मैं अपना लैपटॉप वगैरह लेकर जा रही हूँ टू अपलोड अ यूट्यूब वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विल चिल, विल हैंग आउट, विल हैव फन. चेक करेंगे क्या चल रहा है हम लोगों की जिंदगी में. आई एम एट अनुष्का प्लेस वर्किंग. शी इज ऑलवेज वर्किंग. तेरी हालत कितनी पूरी हो रखी. मेरी भी हालत कुछ ऐसे खास नहीं हो रखी, मैं भी बहुत ऐसी बेचारी हालत में आई हूँ. आई जस्ट सॉ दिस पेड़, इसके घर पे इट्स सो प्रिटी, सुंदर पेड़ है. आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरा भी ऐसा घर हो विद दिस गार्डन एंड एवरीथिंग. आंटी ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है. एवरीवन, सो अभी हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया. अनुष्का और मैं बाहर आए हैं. रात की आइसक्रीम तो बनती है आफ्टर डिनर. सो हम अभी यहाँ पे ज्ञानीज आए हैं, इफ दैट्स द करेक्ट वे. This is my ice cream, everybody. हमने लिया है कुकी क्रीम विथ कोन. ये था 100 रुपए का. 70 रुपीज का कोन लगाया इसने. 70 रुपीज का कोन. मुझे कितनी बुरी हालत हो गई. अनुष्का ऐसे कौन खोद खोद के खाता है. कोन है वो. टब नहीं लिया है. इसका है न्यूटेला समथिंग. ये लोग ऐसे घूरते हुए क्यों जा रहे हैं. आइसक्रीम ही तो खा रहे हैं यार. क्या हो गया. जब मैं सबसे गंदी हालत में होती हूँ ना, तभी मेरे फॉलोअर्स मिलते हैं. मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो मुझे ऐसे रूप में देख रहे हैं. End of flashback. तो हमारा ये बैल्कनी का काम हो जाना चाहिए था 2 दिन में, पर करते करते 4 दिन में खिंच गया है. सो मेरा ही रूम की बिल्कुल ही ज्यादा बैंड बजी हुई है. तहस नहस हो रखा है पूरा घर. माइलो के अलग ही मजे चल रहे हैं क्योंकि उसको गंदगी में खेलने को मिल रहा है एंड ही इज लिविंग हिज बेस्ट लाइफ एट दिस पॉइंट. एंड अब उसको कंडे भी दे रहे हैं, अब क्या ही करे. वो पूरा दिन बैल्कनी में देखता रहता है बाहर बंदरों को एंड चिड़ियों को उड़ते हुए एंड तितलियों को देखता रहता है. वो अभी 2 ही रूम में घूम रहा है. सो ड्रॉइंग रूम वगैरह में हम भेज नहीं रहे क्योंकि बाहर बहुत मेटल के पीसेज है, कांच के पीसेस है, तो उसके पैरों में ना लग जाए क्योंकि वो नंगे पैर घूमता है. तो इससे हम थोड़ा सा बाहर अवॉइड कर रहे हैं. With that being said, today I really want to show you guys this drink that I recently learned from my friend Anushka. So she's a food content creator and वो बेलीज की ना कोल्ड कॉफी बनाती है. सो वैसे तो मुझे कोल्ड कॉफी या कॉफी सूट ही नहीं करता है, मुझे लूज मोशन लग जाते हैं ऑनेस्टली पता होता. आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट हैविंग कॉफी एंड आई वॉन्ट टू ट्रेन माई बॉडी विद दैट. लाइक धीरे धीरे मैं कॉफी इनटेक करना शुरू करूँ. सो मैं ये बेलीज का ना कॉफी बनाऊंगी एंड मैंने उसे घर पे पिया था, वो बहुत टेस्टी था एंड आई एम क्रेविंग दैट. सो आई शो यू गाइस दैट नाउ. ओके, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स कॉफी चाहिए कोल्ड कॉफी के लिए. अभी रिसेंटली आई बॉट दीज 2 लार्ज साइजेस ऑफ इम्पल्स कॉफीज. सो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बोला था दैट नटखट हेजलनट एंड वनीला, ओ विचारो पर वनीला, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम. तो इधर मैंने ये मोका वाला लिया है एंड दिस वन इज नटखट हेजलनट. तो अभी मैं वो बड़े वाले नहीं खोलूंगी, मैं ये पहले छोटा वाला खत्म करूंगी हेजलनट वाला. सो मैं सबसे छोटू चम्मच लूंगी इसका. आई एड दिस टू माई ब्लेंडर. चीनी से जैसे नॉर्मल कोल्ड कॉफी बनाते ना वैसे ही बनाना है इसको एकदम. सो हियर आई हैव द क्लासिक बेलीज. स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला भी यूज कर सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है. तो मैं थोड़ा सा अपनी ग्लास में डालूंगी. आई थिंक दिस शुड बी गुड. टाइम टू टेस्ट.
दिस इज गुड स्टफ. मेरे दिल को उतनी खुशी मिल रही है अभी. नॉट फॉर किड्स बाय द वे, इफ यू आर अंडर 21 प्लीज डोंट ट्राई दिस. हैव यू नॉर्मल वो, बट बेलीज इज समथिंग दैट एल्कोहल नहीं. मैंने बहुत कम डाला था जस्ट बिकॉज आई वॉज क्रेविंग कोल्ड कॉफी एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट विद बेलीज, बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मैंने बस अपने फ्रेंड के घर पर ट्राई किया, मैं खुद बनाना चाहती थी, हेंस आई डिड दिस. बट yeah, if you're above 21, you should definitely try this out. Hello, good morning. मैं बहुत लेट उठी आज. मैं 10:20 उठी. बहुत ही गहरी नींद आई. एक तो मौसम इतना अच्छा हो गया था, रात को इतनी तेज बारिश हुई एंड बिकॉज तेज बारिश हुई और ऐसे बिजली कड़क रही थी, मालो रात को इतना रोया है ना. तो मैं 3-4 बजे उठ के मैं उसको सुला रही थी, प्यार कर रही थी कि कोई बात नहीं बारिश हो रही है. तब जाकर आधे घंटे 40 मिनट के बाद थोड़ा सा वो सो पाया बच्चा, पर वो बहुत ज्यादा डर गया था एंड उसके कारण मैं भी उठी हुई थी. हाउस ऑफ ड्रैगन बहुत ही अच्छा है, 4th एपिसोड. नाउ आई सी द स्टोरी इज गोइंग समवेयर. सो अब लाइक लग रहा है कि डायरेक्शन मिल रही है कुछ. मम्मा ने चाय दे दी है, इसके बाद मैं अपना जूस वूस पीऊंगी. या आई थिंक आज मैं कुछ चीजें करनी है, मुझे बाहर भी जाना है. मॉर्निंग. हमारा बैल्कनी भी हो गया कंस्ट्रक्शन, जो बचा हुआ था जो भी था वो हो चुका है हमारा. और काम कराना है, और के बाद बहुत काम कराना है. मम्मी ने घी बनाया, इतना सारा घी निकला है, कुछ ज्यादा ही नहीं है. कितना सारा वो था मलाई? काफी सारी मलाई थी एक्चुअली. पहले मैं व्हाइट बटर निकाला था, वो भी है और उसका भी. व्हाइट बटर था इसका. व्हाइट बटर बन सकता है? नहीं ना? इसका व्हाइट बटर से घी बनता है. इसको ना चीनी के साथ बहुत टेस्ट लगता है ये. वाह मदर, यू आर सॉर्टेड फॉर अ फ्यू मंथ्स. सो सुबह सुबह आई लाइक टू हैव दिस जूस, आमंड, सोक्ड आमंड एक्चुअली ये, एंड मैंने पिछली बार गलत बोला था, हनी, तुलसी एंड हल्दी का ये मिक्सचर. दिस किसके लिए होता है? ये इम्यूनिटी के लिए ना, इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है. सो ये बेसिकली तीनों चीजें मेरी डाइटिशियन ने बोला था कि मेरे को लेना चाहिए. If you are wondering, अगर मैं अभी भी अपनी डाइटिशियन के साथ जुड़ी हुई हूँ, सो नो, मैंने एक ही महीने का प्लान लिया था एंड एक महीने के बाद मैंने रिन्यू नहीं कराया बिकॉज ऑनेस्टली मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा. डेफिनेटली आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद माई डाइट एंड द डाइट वॉज वेरी रिपीटेटिव. हम पक गए थे एक चीज खा खाकर एंड अगर कुछ अलग बोलो तो फिर से इट वॉज द सेम थिंग, रिपीटेटिव एवरी वीक. And I felt that she was not doing anything extra for me for the money I paid. वो एक ही डाइट सबको सर्कुलेट हो रहा था. I wanted someone to mainly specially customize करे डाइट. But ये चीज तीनों में तो ले ही रही हूँ सुबह. मुझे बहुत फर्क पड़ता है. Specially ये जूस पी करना, I've noticed that मेरे मुंह में छाले कम होने लग गए थे. तो बीच में मैंने जूस स्किप किया था क्योंकि मम्मी शिरडी गई थी, मेरे छाले वापस आ गए थे. सो जब से मम्मी वापस आई मैंने कहा मम्मा ये जूस तो मैं रोज पीऊंगी क्योंकि मेरे छाले ठीक हो गए थे. इससे मेरे अभी भी छाले थे, वो भी ठीक हो गया. मैंने इसमें एप्पल डाला है एक, और कुकुम्बर, थोड़ा सा मिंट, फिर जिंजर छोटा सा टुकड़ा, और धनिया, आंवला एक या दो आंवला. एक्चुअली हम लोग एप्पल वगैरह खाते नहीं है ना, वी डोंट लाइक ईटिंग एप्पल्स. हम एप्पल ऐसे नहीं कंज्यूम करते, तो इसी फॉर्म में हम कर लेते तो दैट इज गुड. बहुत आलस आता है मेरे को एप्पल खाने में. पता नहीं क्यों, अगर सुबह मैं खाली पेट खाऊ ना एप्पल, पेट दर्द होता है यार. इसका टेस्ट भी ठीक ठाक है. स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा था इसको अडेप्ट करने में, बट नाउ इट्स वेरी नॉर्मल. मैं पी लेती हूँ इसको. एक बज गया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है. मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा पाई तो मैं सोचा सबसे ज्यादा लंच ही कर लेती हूँ. भिंडी है ये, एंड ये ज्वार की रोटी, एंड किसी चने की दाल है. बहुत ज्यादा भूख लग रही है. आई ईट अभी फटाफट से, देन आई हैव टू गो आउट. आज हम लोग बाहर जा रहे हैं काफी दिनों के बाद. कुछ घर में काम चल रहा था, शायद हिमादी ने दिखाया ही था आपको. कुछ है जो पेंडिंग काम थे हमारे. I'm looking for a studio. Actually, हाँ, that is main. आपका मुंह दिख रहा है, अच्छे से ब्लॉक करो. यही मेन कारण है उसको. एक्चुअली स्टूडियो की बड़ी दिक्कत होती है. घर में हमारे पास जो स्पेस है उसमें बेड भी है, उसमें वो चली शूट भी करती है, तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है उसके लिए.
हम लोग सोच रहे हैं कि वो कहीं बाहर वो कोई स्पेस लेकर के हम रेंट पे ही यहाँ पर जस्ट स्टूडियो बना सके एंड वर्किंग प्लेस हिमाद्री का. आज पहले दिन निकल रहे हैं देखने के लिए. लेट्स सी क्या मिलता है हमें. हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज मिलना भी हमारे आसान नहीं होता बिकॉज वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल. वी आर टफ पीपल टू प्लीज. हाँ वी डोंट गेट सेटिस्फाइड इजीली सो हम लोगों को परेशान कर देते हैं कई बार. और मैंने मम्मी को बताया नहीं है बट मैंने कल सोचा कि अब से मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी. कोशिश करेंगे तो उसमें आपको भी फिर व्लॉगिंग करना पड़ेगा. मैं भी करूंगी. हाँ आज इतना अच्छा मौसम भी है वैसे काफी वियर्ड एंगल बट ओके. ओके मैं अभी अनाड़ी लोग जब करते हैं तो ऐसे ही होता है. अब तुम समझ जाओ उसके कान से समझ जाना कि वो क्या बात है. ठीक है गेस मार लें. बाकी मेरे हाथ पाथ बीच में आ जाते हैं कोई नहीं कोई नहीं तो वो भी देख लेना. ठीक है ये छत है. ये सेकंड फ्लोर. ये वन बेडरूम लाइक दिस. इसके साथ दिस इज द वॉशरूम. ये बालकनी. धूप अच्छी आती है यहाँ. एंड उस साइड एक और बेडरूम है. ये 3 BHK है. सो एक और रूम है विद कबर्ड. यहाँ पे वॉशरूम और देयर इज दिस एम्प्टी स्पेस. सो इसको कवर कर सकते हैं लाइक वॉट एवर स्टोरेज रूम बना सकते हैं. यूटिलिटी एरिया नीचे रूम एंड ड्राॅइंग रूम. सो ये ड्राॅइंग रूम पूरा विद किचन बेडरूम एंड इसका बाथरूम. बहुत एयरी स्पेशियस जगह है. आई लव द एरिया. एकदम खुला खुला ग्रीनरी ग्रीनरी है. सो दिस लुक्स गुड. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द सेकेंड हाउस. सो वो 3 BHK था. आई एम नॉट लुकिंग फॉर 3 BHK ऑनेस्टली. सो 2 BHK लेट्स सी. हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं है. हमने जैसा बोला था कि हम आज जाएंगे स्टूडियो के लिए कुछ जगह देखने के लिए. कुछ भी देखी है पर अपने पसंद की कुछ लगी नहीं. हेलो एवरीवन. बहुत ज्यादा बिखरी भी हालत हो गई. मैं तो सुबह से नहाई तक नहीं हूँ. जैसे उठी थी मैं वैसे ही जा रही हूँ. अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है कि 6 बज रहे हैं. एंड मम्मी अभी शिरडी गई थी एंड उनके फूड में शी गॉट दिस पनीर बटर मसाला बोल समथिंग. मम्मी बचा के रख रही थी कि जब बहुत ज्यादा तेज भूख लगेगी तब खाएंगे. सो अभी बहुत तेज भूख लग रही है. कुछ बनाने का मन नहीं है. सो आई एम गोना मेक दिस राइट नाउ. And it is really really delicious. Mummy ne bhi taste kiya. Mummy ko bhi pasand aaya. We are having a chai. We are chilling. I'll end a vlog here. I hope aapko maza aaya ho. And I hope mereko wo motivation mile ki I keep creating daily vlogs. And if you did like this video, hit the like button. Share this video. Subscribe. And ruko. Main bye kar rahi hu. Subscribe to my channel. Bye.